वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यानी अपकमिंग आपके जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। ओके, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। यह रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओके, यह रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक एक साल, दो साल या कुछ महीनों बाद भी पहुंचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके सन, ओके यहाँ व्यूअर्स, ओके मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप मुझे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे देख सकते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। लेट्स सी व्यूअर्स, पहला कार्ड जो है वो है फोर ऑफ सोर्ड्स। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। फोर ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड एंड वाओ सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। अभी और कार्ड्स लेंगे हम क्लेरिफाई करने के लिए। स्टार्ट करते हैं अभी रीडिंग। व्यूअर्स, आपके जीवन में क्या होने वाला है, पहली चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है वो ये है कि आप सोच विचार करते हुए बहुत नजर आएंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में। आप किसी बारे में गहरी सोच में डूबे हुए हो सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको अपने करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर। ठीक है, काफी चीजों को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है या काफी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके बारे में आप सोचने पर विवश हो जाएंगे और आने वाले कुछ दिनों में ओवरथिंकिंग भी बहुत कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है माइंड में रहेंगे आप अपने, यू विल बी इन योर माइंड, यानी कि सोच ही सोच होगी, यानी कि कुछ एक्शन लेते हुए मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हैं चीजों को। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के आने वाले दिनों में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं काफी सारी, ये आपकी लाइफ में काफी सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ये लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है आपके लिए, एक साथ दो तीन रिश्ते भी आ सकते हैं, प्रपोजल भी आ सकता है किसी का, कोई आपको फ्रेंडशिप ऑफर करे ऐसा लग रहा है, या करियर में भी आपको, अगर आप अब तक स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको दो तीन जगह से एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चांस मिल जाए, यू नो, तो काफी ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनमें से आप, आपके लिए क्या अच्छा है आप चूज कर पाओगे। लेकिन काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोग ना ख्यालों में ज्यादा खो सकते हो, इमेजिनेशन ज्यादा कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इमेजिनेशन है ये आपकी लव लाइफ को लेकर आप करने लगो, अपने क्रश के साथ इमेजिन करने लगो, यू नो, कि आपके क्रश के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन करने लगो। करियर को लेकर कि आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, उस पोजीशन पे पहुंच गए, ऐसा आप
ख्वाब देखो, इमेजिन करो, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ में काफी चांसेस और काफी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे तो अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटी को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और यू कैन टैप इनटू द अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको आप उसका फायदा उठा पाएंगे, अगर आप टेंशन में नहीं हैं तो। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग ही करते रहेंगे तो ये भी चांसेस हैं कि सामने से आने वाली अपॉर्चुनिटीज, अच्छे रिश्ते आप मिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन तो बहुत रहने वाले हैं, लेकिन उतना ही आप डे ड्रीमिंग भी करने वाले हैं। तो आप अगर डे ड्रीमिंग नहीं करेंगे तो शायद अपनी अक्ल से काम लेकर आप एक सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, चाहे आप अपने करियर के लिए करना चाहें या अपनी लव लाइफ के लिए या व्हाटएवर। ओके, काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हो सकती है, नहीं तो एंगेजमेंट हो सकती है। इफ नॉट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग अगर शादीशुदा हैं तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या ऑलरेडी आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट होगा, और अगर फैमिली में कोई मैरिड वुमेन है तो वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, माँ बन सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। काफी मदरली एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके माता पिता का बहुत प्यार मिलेगा, ये भी हो सकता है। अगर आपके कोई फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जो कुछ साल पहले एक साल से 5 साल के भीतर में गुजर गई हैं, किसी की माँ हो सकती हैं वो, किसी की ग्रैंड मदर हो सकती हैं, तो हो सकता है वो बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार आपको भेज रहे हैं, और आने वाले समय में आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, थोड़ा सपनों में रह सकते हैं, थोड़ा इल्यूजन में रह सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करनी है आपको। ओके, चलिए और क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी क्या क्लैरिफिकेशन आता है आपके जीवन में, आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट। वाओ, सिक्स ऑफ वैंस, ब्यूटिफुल व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना विक्ट्री मिलने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है आने वाले समय में। हो सकता है कि जो लोग किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको बहुत सफलता हाथ लगने वाली है, या जो लोग बिजनेस कर रहे थे लेकिन चल नहीं रहा था, या कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था चीजों का, या किसी को कहीं जाना था, विदेश जाना था, कुछ करना था और वो चीज नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लग रहा है अब विक्ट्री आपके हाथ में है, अब जीत आपकी होगी, चीजें आपके हिसाब से अब होती हुई दिखेंगी। और अगर आप काफी समय से हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको अब दिखेगा और आपके फेवर में दिखेगा। ओके, लव लाइफ में भी मुझे आपके लिए आने वाले समय में यही मैसेज मिल रहा है कि लव लाइफ में भी आप विजय प्राप्त करोगे, किसी का दिल जीत लोगे, कोई आपसे नाराज है तो वो आपको माफ भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रपोजल लेकर आपके पास आ सकता है, और शादी भी हो सकती है कई लोगों की, अगर शादी नहीं है तो शादी का रिश्ता आ सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ में भी जीत प्राप्त कर रहे हो। अगर आपके लिए मूव ऑन करना जीत है तो आप मूव ऑन सक्सेसफुली कर लोगे। अगर आपके लिए किसी को अट्रैक्ट करना जीत है, किसी का दिल जीतना आपके लिए विक्ट्री है, तो वो भी विक्ट्री आपके फेवर में है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको ज्यादा सोच विचारने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आगे विक्ट्री है आपके फेवर में, बट आप इल्यूजन से बाहर निकलिए, ऑप्शंस भी बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहेगा आपको आने वाले समय में, फ्रेंड्स फैमिली या लोग, काफी कलीग्स वगैरह, आपको लोग काफी सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट ज्यादा लग रहा है मुझे। आपकी जीत केवल आपकी जीत नहीं होगी, इसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन होगा। ओके, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इस जीत में, ये अकेले आपकी जीत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ही जीत है क्योंकि लोग बस सपोर्टिंग रोल में हैं। ओके, टेम्परेंस, तो व्यूअर्स अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बस यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हैं, ठीक है, अपना ऑरा क्लेंस रखिए और पॉजिटिव थॉट्स रखिए अपने दिमाग में,
ये हो सकता है व्यूवर्स, आप अगर हील नहीं है, स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आने वाला समय आप अपने आप को हील देख पाएंगे, आने वाले समय में आप अपने आप को हील कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपने आप को हील करें उसके बाद ही आपको ये विक्ट्री मिले, क्योंकि दर्द में मुझे नहीं लग रहा है कि आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही आप उस दर्द से उभर के आगे आएंगे तो मुझे लग रहा है कि आप काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। चलिए मैसेज लेते हैं आपके लिए, आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है। व्यूअर्स, आपके नाम में आर हो सकता है, टी फॉर टेलीफोन, एस वी एम एच एफ ई आई, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। सेट योर साइट्स हायर, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप यू नो एक बड़ी चीज के लिए ड्रीम देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ गोल आपका, मिशन जो है वो कुछ बड़ा है, पर्पस आपका कुछ बड़ा है, तो इसीलिए आपको छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपका मिशन बड़ा है या आपका गोल बड़ा है तो छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, उन पर आप इतना ध्यान ना दें, अपने विजन पर फोकस करें। अनलॉक द मैजिक विजन, कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके अंदर पैशन है, ठीक है, बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है। यानी कि आप जो सोच रहे हैं या इमेजिन करते हैं, या आपका जो गोल है चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं और आपके अंदर वो पैशन है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दबाने की वजह से, लोगों ने आपको खरा खोटा सुनाया हो सकता है, लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो सकता है, यू नो नीचा दिखाया हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा। लेकिन फिर भी आप विश्वास रखें कि आपके अंदर इतना पैशन है, यू नो कि आप जो चाहे कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर। तो यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है आपको कि किसी वजह से, किसी और की वजह से अपने आप को किसी से कम ना समझें। ओके, यस, आइए चलिए देखते हैं कि आपका जन्मदिन कौन से महीने में हो सकता है, जुलाई, मार्च, अगस्त, जून, अप्रैल, मई, अक्टूबर, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, 23 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 26, 26, 6, 16, 5, 25, 15, 24, 14, 4, 7, 27, 17, 10, 20, 30, 11 भी हो सकती है। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है व्यूअर्स। अगर ये डेट्स और ये मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं मेरे साथ
फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो चलिए फैमिली, फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली।